जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के मुंडहर जहां पर शॉर्ट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जेजेपी के प्रत्याशी समीम अख्तर के द्वारा खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया गया, वहीं फीता काट करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। बताया जाता है घर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए जेजेपी के प्रत्याशी समीम अख्तर ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलें और बेहतर खेल रहे खिलाड़ियों के लिए, प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए हमारी संस्था विचार करेगी और उसे बेहतर मंच देने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए हर संभव मदद का हमारी ओर से प्रयास रहेगा। तो बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। मेरा बहुत बहुत नमस्कार जवाहर दा। आज हम लोग जनवरी की इस शॉर्ट टूर्नामेंट में हम लोग शामिल हुए हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी युवा साथी हैं सब मिलकर खेलें और प्यार से खेलें, क्योंकि खेल ही एक ऐसी चीज़ है जिसके पास जैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग खेल में आगे बढ़ें और अपने जीवन में एक लक्ष्य लेकर चलें ताकि उस लक्ष्य को आप पूरा कर सकें, क्योंकि खेल के माध्यम से भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अगर दिल से खेला जाए। अगर कोई भी चीज़ अगर हम आधे मन से करते हैं तो कभी पूरा नहीं हो सकता। और आपके इस कार्य में हम आप सहयोग करेंगे जहाँ तक होगी हमसे। आप लोग चाहे खेल से आगे बढ़ना चाहते हैं या शिक्षा के माध्यम से या और कोई साधन हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें हम आपका भरपूर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और हमेशा आप सभी युवाओं के बीच हम आते रहते हैं और सहयोग के रूप में जहाँ तक हमसे होती है आप लोग का सहयोग करते रहते हैं। और आप लोग भी देखिए कि आपके जो भी गाँव परिवार घर जहाँ भी है बच्चे बच्चियाँ उनको आगे पढ़ाने का सहयोग कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं वो फ्यूचर में पढ़ें और पढ़ के आगे बढ़ें, जिसमें हम कुछ योजना भी लाए हैं, फ्री ट्यूशन योजना, जिसके माध्यम से बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और हमारा बहुत ही प्यारी योजना है एक राधा स्वामी संगठन कन्यादान योजना, जिसके माध्यम से हम लोग हर वर्ग के बच्चियों के शादी में लगभग 4 लाख तक का सहयोग करते हैं, जो आज तक ना कभी कोई सरकार कर पाई है ना करेगी। लेकिन हमारा एक संगठन के माध्यम से पिछले 15 वर्षों से प्रत्येक बच्चे के शादी में हम लोग सहयोग करते आए हैं। और हम चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में जितनी भी बच्चियां हैं उनका सहयोग आपके माध्यम से हम कर सकें, जिसके लिए आपका सहयोग का ज़रूरत है। आप उन बच्चियों का फ्री में रजिस्ट्रेशन करवाएं जिनसे हम सहयोग कर पाएंगे उनका। और कन्यादान एक महादान है। अगर आप एक बच्ची के शादी में सहयोग कर पाते हैं, आप अगर माध्यम बनते हैं तो इसका सिला आपको इस ज़मीन पे मिलेगी और आसमान में भी मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि आप हर बच्ची के शादी में सहयोग का माध्यम बने और सहयोग करने के लिए हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। और राधा स्वामी संगठन आज से नहीं पिछले 15 वर्षों से, आप चाहे वाहन योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं या फिर तो कन्यादान योजना के माध्यम से लाभ लेना चाह रहे हैं या शिक्षा के माध्यम से लाभ लेना चाह रहे हैं, अब किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ के लाभ ले सकते हैं। आज सबसे खुशी इस चीज़ की रहती है कि मैं खुद गांडे विधानसभा क्षेत्र का हूँ और पिछले 15 वर्षों से लोगों की सेवा में हूँ। आज तक मैंने जो कर दिया आज तक कोई भी। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है, जी हाँ तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे जन जन की आवाज पर सब सच की आवाज होगी बुलंद, जी हाँ हर खबर असरदार। बेशक आप चैनल को करें अभी के साथ, क्योंकि बीएनबी 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर